हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर गाइडिंग हिम अबाउट नॉट नेग्लेक्ट हिज स्टडीज। मीन्स ये एक इनफॉर्मल लेटर है और ये 6th, 7th, 8th के सिलेबस में आता है ये लेटर लिखना ऐसा। और टॉपिक क्या है कि अपने छोटे भाई को अपने एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखनी है कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। ओके, तो कैसे लिखते हैं? एक्चुअली लिखना क्यों पड़ा, क्योंकि जब रिपोर्ट कार्ड आया तो क्या देखा बड़े भाई ने कि अपने छोटे भाई के रिपोर्ट कार्ड में मैथ में भी डी ग्रेड है, लैंग्वेज में भी, साइंस में भी, सब जगह डी ग्रेड। और ये देखकर बड़ा भाई जो है वो परेशान हो गया रिपोर्ट कार्ड पढ़कर। ओके, तब उसने उनको अपने छोटे भाई को लेटर लिखने की सोची। तो अपनी लेटर में क्या लिखता है बड़ा भाई? सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे हम? एड्रेस से। सबसे पहले आपने ऊपर अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हाउस नंबर 184, कॉमा कौन सी सोसाइटी है, मानव एनक्लेव, अंबाला सिटी। और देखिए डेट कैसे, किस फॉर्मेट में लिखनी है, महीने का पूरा नाम, फिर डेट, फिर ईयर, ठीक है? माई डियर सुनील, उनके छोटे भाई का नाम है। आई होप यू मस्ट बी एन्जॉइंग वेल देयर। मुझे आशा है कि आप वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हो, मज़े से हो। आई एम शॉक्ड टू रिसीव योर मंथली रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल। जैसे ही मुझे तुम्हारी मंथली रिपोर्ट मिली, मुझे बहुत ही धक्का लगा, शॉक लगा मुझे। आई सजेस्ट यू टू गिव अटेंशन टू योर स्टडीज़। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, अटेंशन दो। वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। डू नॉट वेस्ट टाइम। आप अपना समय व्यर्थ ना बिताओ। इम्प्लीमेंट द डेली टाइम टेबल वी चॉक्ड आउट टुगेदर फॉर यू। जो हम दोनों ने इकट्ठे बैठकर तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाया था, उसको लागू करो। इम्प्लीमेंट मत होता है लागू करना। Add more hours to your study by reducing watching TV and playing games on mobile। आप अपनी स्टडी के लिए और कुछ समय ऐड कर दो, और घंटे ऐड करो। कहाँ से ऐड करोगे, 24 घंटे तो उतने होते हैं। By reducing watching TV, जो आप TV के लिए अपने समय रखा है उसमें से समय निकालो, और जो तुम मोबाइल पे बैठकर गेम खेलते रहते हो उसमें से समय निकाल कर पढ़ाई में लगाओ। योर फाइनल एग्ज़ामिनेशन इज़ नियर। तुम्हारा जो पक्के पेपर हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, वो नज़दीक आ रहे हैं, इज़ नियर एट हैंड। आई होप यू टू डू फेयरली वेल। मुझे आशा है कि तुम उनमें अच्छा करोगे इन द फाइनल एग्ज़ामिनेशन। आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस ऑन गेटिंग फर्स्ट डिवीज़न। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न ले आते हो, बल्कि 60% मार्क्स से ऊपर आ जाते हैं, तो मैं आपको आपका मन चाहा तोहफा दूंगा। लव फ्रॉम मॉम एंड डैड। मम्मी पापा की ओर से, मॉम डैड से आपके लिए प्यार। रिगार्ड्स फ्रॉम रेनू। छोटी बहन के ओर से आपके लिए, आपसे आशीर्वाद की कामना है, आपको वो इज्जत दे रही है। एंड गुड लक फ्रॉम मी ब्रो। और मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। योर ब्रदर अमर। ओके, थैंक यू।